राहुल और रेखा की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 5 साल हो गए थे। मधुर संबंध और गहरे हो रहे थे। अनुज 2 साल का हो गया था। अब एक और मेहमान बस 4-5 महीनों में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की बगिया महक रही थी। राहुल रेखा का बहुत ख्याल रखता था। रेखा ने भी जीवन के हर एक पल में राहुल को हद से ज्यादा प्यार किया। शादी के 5 साल बाद भी यूं लगता कि जैसे अब भी दोनों प्यार में हैं और जल्द से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हों। रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता था कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अनुज के कारण भले ही अंदाज लगा लेते थे, वना नहीं। यूं तो राहुल और रेखा की शादी अरेंज मैरिज के तरह हुई, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 4 वर्ष पहले से जानते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में ना आया। दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बसाली सदा के लिए। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी वो नियत खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता समाज ने इन्हें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। राहुल और रेखा के बीच हर तरह की बात होती। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद ज्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती है, मसलन राजनीति, खेलकूद, देश दुनिया, साइंस, करियर, हंसी मजाक आदि आदि। पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोली, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को खास बातों पे सलाह देना लेना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना, एक दूसरे का इंतजार करना आदि, सब कुछ बहुत प्यारा था राहुल और रेखा के बीच। ऐसा नहीं कि राहुल और रेखा के झगड़े ना होते हों, होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते मुंह फुलाते और आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो ना, सॉरी बाबा, माफ कर दो ना, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी ना थी। जीवन बगिया प्यार से सराबोर थी। फिर भी जाने क्यों कभी कभी रेखा उदास हो जाती, पर अगले ही क्षण अपनी उदासी झटक कर मुस्कुरा देती। राहुल कभी शायद ही उसके उदास पल देख पाता, और कभी दिख भी जाता तो रेखा कहती कुछ नहीं, यूं ही। अनंत के साथ दोनों के जीवन और निरंतर करियर की प्रगति से दोनों इतने खुश थे कि कई लोगों के मन में ईर्ष्या भी पैदा हो जाती। हालांकि राहुल और रेखा के बीच भी कई सारे अंतर थे जो किसी भी कपल में होना स्वाभाविक है, क्योंकि दो अलग अलग परिवार, परिवेश और अलग शहर के लोग एक हो भी नहीं सकते। परंतु दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से हर तरह का तारतम्य बिठा लिया था। प्रेम चीज ही ऐसी है जो स्व का त्याग कर दूसरे को खुश रखने की कला सिखा ही देती है। मगर इन सब बातों के बीच एक ऐसी बात थी, एक ऐसी आदत राहुल की, जो रेखा कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकी। हालांकि उसने कोशिश बहुत की, उसने कई बार राहुल से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज इस आदत को छोड़ दो, ये हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे अगाध प्यार के बीच एक दाग है। कहते कहते तो अब 7 साल बीतने को थे। राहुल ने जाने उस आदत को खुद त्यागना ना चाहा या उससे हुआ नहीं, ये पता नहीं, जबकि कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, वक्त बीतता रहा। रेखा ने अपने मन को ही समझा लिए। उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की संपूर्ण खुशियां मिल जाए। वो सोचती कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को ना जाने कितने गम हैं। मैं तो संसार की खुशकिस्मत लड़की हूं जो राहुल जैसा जीवन साथी है मेरा। यही सोच मन में उठती एक हल्की सी कसक को खुद अपने ही विचारों से रगड़कर मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो गए थे। नन्हे मेहमान के आगमन में बस 2 महीने की देरी थी। राहुल जल्दी घर आता, रेखा को बहुत बहुत प्यार देता। अनुज भी खुश था क्योंकि उसको बताया गया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी ही एक बहुत ही सुंदर गुड्डा या गुड़िया लेने जाएंगी जो तुम्हारे साथ खेलेगा भी, दौड़ेगा भी और बातें भी करेगा। अनुज को गोद में लिए राहुल रेखा के साथ बैठ घंटों दुनिया जहान की बातें करता। रेखा हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी अचानक पूछ बैठती, राहुल तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? राहुल उसके हाथ थाम फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 7 साल से कह रहा था, बस 2-4 दिन दे दो मुझे।
सच कहता हूँ इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रेखा कसक भरी मुस्कान के साथ सर हिला देती, ओके प्लीज इस बार जरूर। राहुल प्यार से रेखा के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता इस बार पक्का प्रॉमिस। बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक रेखा का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं, वैसे भी 2-3 महीने से कहीं बाहर निकली नहीं थी। राहुल ने कहा मैं घर पे ही ले आता हूँ। रेखा नहीं मानी, तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। होनी कुछ और लिखी गई थी जिसका समय नजदीक था। तीनों घर वापस आए, अनुज तो खेल कूद कर निढाल होकर आते ही सो गया। रेखा के दिल में आज फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जगी। उसने राहुल का हाथ पकड़कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा राहुल सुनो ना एक बात, इधर आओ तो जरा। पर राहुल ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा रुको रेखा बस 10 मिनट में अभी आया, बस अभी तुम्हारे ही पास आकर बैठता हूँ। कहकर राहुल बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक ही रेखा की तेज चीख सुनकर राहुल दौड़ा। रेखा वॉशरूम में लहूलुहान पड़ी थी, अब बस उसकी आंखें कुछ रह थी, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। राहुल के प्राण की सूख चले। उसने घड़ी भर बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाया और रेखा को कुछ ही पल में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। राहुल तब तक अपने माता पिता और रेखा के घर वालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए, सभी रेखा के लिए चिंतित और दुखी थे। उधर अनुज घर में अकेला था, सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसलिए राहुल की माँ को घर जाना पड़। इधर डॉक्टर्स रेखा की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में खत्म हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था और अब रेखा को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में अनुज को लेकर माँ फिर हॉस्पिटल आई। माँ ने राहुल के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा ये तकिए के नीचे रखा था, शायद अनुज के हाथ में खेलते हुए आ गया, कोई जरूरी चीज हो शायद, ये सोच में लेते आई। माँ पढ़ना नहीं जानती थी सो राहुल पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया ये रेखा की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरे हुए थे कि लग रहा था उसने रोते रोते ही ये सब लिखा है। अरे ये तो अभी शाम को लिखा है उसने, क्योंकि रेखा की आदत सभी जानते हैं, वो कुछ भी लिखती है तो उस पे अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती है। मतलब कि जब राहुल थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया था तभी रेखा ने ये लिखा था। राहुल पढ़ने लगा। पता है राहुल, जब प्यार में हम दोनों सराबोर हुए थे पहली बार, जब हम पहली बार अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली ही शाम थी, उस दिन हमने समंदर किनारे बने उस कॉफी होम में समंदर की लहरों को साक्षी करके एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा पहले आप कहो राहुल। याद है राहुल आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद ही नहीं है, लेकिन मैं एक पल भी नहीं भूली। आप ही ने कहा था राहुल कि मैं तुम्हारे सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ, बोलो दोगी मुझे ये तोहफा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी, उस एक पल में मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आप मांगेंगे ये कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने ही मुझे भी ये ख्वाहिश दे दी कि मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी कर दूं। दिल में तो आया था कि अभी ही पूरी कर दूं, पर मैं शादी के बाद आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगी मैंने सोच लिया था, लेकिन साथ ही ये भी था कि मुझे आपकी सिगरेट बर्दाश्त ना थी। मैंने अपने घर परिवार में कभी ये सब देखा सहा नहीं था, मुझे इसके धुएं से इसकी अजीब सी स्मेल से हद से ज्यादा नफरत थी, मेरा दम घुटने को हो आता है इससे, लेकिन फिर भी मैंने नजरें नीची करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको ये तोहफा जरूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था राहुल। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। याद है राहुल मैंने एक ही चीज मांगी थी, राहुल आप ये सिगरेट पीना छोड़ दो, इसके अलावा मुझे सारी जिंदगी कुछ और नहीं चाहिए। आपने कहा बस एक सप्ताह बाद तुम मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई थी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन आपने पलट कर ये नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं,
जानते हो राहुल क्यों यही मांगा था मैंने? ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ राहुल, आपकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे ये कभी करने ना दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार मिला है राहुल, बहुत सम्मान मिला है। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहान में खुद को सबसे ज्यादा खुश नसीब पाती हूँ। हमारे प्यार के अनगिनत पल हैं राहुल, हमारी एक दूसरे से नजदीकियां तो शरीर और आत्मा की तरह है राहुल, पर बेहद अजीब है ना कि इतने करीब होकर भी वो पल नहीं आ पाया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद इन 7 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अफसोस मेरी एक छोटी सी ये ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी सांसों के हम कदम बनना चाहा, हर बार वही सिगरेट की अजीब सी गंध ने मुझे मुंह फेर लेने पे मजबूर किया, लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है राहुल कि पति पत्नी होकर, एक बच्चे के माता पिता होकर भी हम एक दूसरे के होठों के स्पर्श को नहीं जानते? लोग हंसेंगे कि ये क्या बकवास है, भला ये 7 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल ना आया हो। मैं कैसे कहूँ कि ये हमारे अटूट बंधन, गहरे प्रेम के बीच ये एक दाग की तरह है, मगर सच है। आप नहीं समझोगे राहुल, लेकिन मैं अब समझ गई हूँ, आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को नहीं। मैं फिर आज इसलिए लिख रही हूँ राहुल क्योंकि आज हद से ज्यादा दिल मचल गया था और लगा था कि आपने आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी है, शायद आज एक बार ही सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती हूँ, चीख कर पर नहीं रो सकती। शायद हमारे अगाध प्रेम में ये शोभनीय नहीं होगा। मैं बांटना चाहती हूँ अपना ये दर्द, मगर क्या ये किसी से कहना उचित लगेगा? बेहद अपमानित महसूस करने लगी हूँ आपकी सिगरेट के सामने अपने आप को। कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपने इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए सिवाय इसके कि पन्ने पे उतार कर दिल हल्का कर लूं, जबकि जानती हूँ पहले की ही तरह कुछ देर बाद इसको भी फाड़ कर फेंक दूंगी। पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू राहुल, लव यू ऑलवेज। पढ़ते पढ़ते राहुल बेहिसाब आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ उसके सिगरेट के लत के कारण क्या से क्या हो गया। उसके मन में सारे घटनाक्रम प्रत्यक्ष हो उठे। राहुल के सिगरेट लेकर चले जाने के कारण रेखा को आज बहुत ज्यादा बुरा लगा, उसके आंखों से आंसू छलक आए। उसने पेपर पेन उठाया और अपने मन की सारी बात उस कागज पे उड़ेल कर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक राहुल सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, रेखा का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो उठकर मुंह हाथ धोने चली गई। जब वो वॉशरूम से वापस आने लगी, ना जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। ये उसकी संतप्त मन की दशा थी, या महज प्रेगनेंसी के कारण उसको चक्कर आया होगा, या कि उसकी जीवन की इतनी ही अवधि तय थी, ये तो परमात्मा को ही पता था, या फिर खुद रेखा को ही। राहुल पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी रेखा को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी उसको दे दो, मगर बचा दो उसको। लेकिन ये नहीं हो सका। 6 घंटे के अधिक प्रयास के बाद डॉक्टर ने आकर कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम हार गए। रेखा के पास अब ज्यादा समय नहीं, उससे मिलने आप लोग। रवि बदहवाश रेखा के पास पहुंचा। रेखा की आंखें शून्यता से भरी थी। रवि ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, रेखा मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ रेखा, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा आज से, अभी से, अब नहीं टालूंगा, एक सेकंड भी नहीं, बस मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। रेखा की आंखें राहुल के चेहरे पे टिक गई। वो बहुत मुश्किल से जरा सा मुस्कराए और अपने होठों पे एक मासूम सी ख्वाहिश सजाए हमेशा के लिए खामोश हो गई। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें अपनी प्रतिक्रिया में बताएं, ताकि हम आप सभी के लिए और मेहनत करके अच्छी कहानियां लाने में समर्थक रहें। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।